भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने जो तांडव मचाया है वो सबने देखा और इसकी चर्चा विदेशों में भी खूब हुई। दुनिया के कई बड़े बड़े अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पर भारत में जलती चिताओं की तस्वीर प्रकाशित कर भारत की स्थिति के बारे में बात की। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक खबर की रिपोर्ट को लेकर भारत सरकार ने जवाब दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। दरअसल भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या और मौत पर न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे को सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार के अनुसार रिपोर्ट का कोई प्रमाणिक आधार नहीं है, रिपोर्ट पूरी तरह से आधारहीन है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह से झूठ और विकृत अनुमान पर आधारित है। चलिए पहले आपको ये बता देते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया कि जो भारत सरकार को इसका जवाब देना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में क्या कहा गया, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में मौत के सही आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एक दर्जन से ज्यादा एक्सपर्ट्स की मदद ली। इन एक्सपर्ट्स ने भारत में महामारी को तीन स्थिति में बांटा, सामान्य स्थिति, खराब स्थिति, बेहद खराब स्थिति। बेहद खराब स्थिति वाले रिपोर्ट में संक्रमण के वास्तविक आंकड़ों से 26 गुना ज्यादा संक्रमण का अनुमान लगाया है। संक्रमण से मृत्यु की दर का अनुमान भी 0.60% रखा गया। यह अनुमान कोरोना की दूसरी लहर और देश की चरमरा चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए लगाया गया। इस स्थिति में 70 करोड़ लोगों के संक्रमित होने और 42 लाख लोगों की मौत का अनुमान लगाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित इसी रिपोर्ट का भारत सरकार ने जवाब दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर सरकार के जवाब, डॉक्टर वी के पॉल ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर कहा, कुल इन्फेक्शन में मौत का प्रतिशत किस आधार पर तय कर लिया और इसमें भी 5 लोगों के फोन पर पूछकर रिपोर्ट तैयार की, बिना किसी आधार के मौतों को 12 गुना तक बढ़ा दिया। यही बात अगर न्यूयॉर्क के संबंध में लागू की जाए तो मई में उन्होंने मौतों को 16,000 बताया और खुश हो रहे हैं कि उनका मोर्टैलिटी रेट 0.97% है। अगर हम इसे 3 गुना करें तो 50,000 मौतें, 6 गुना करें तो 90,000 और अगर 12 गुना कर दें तो 1,75,000 मौतें होती हैं। पर यहां वो अपना फॉर्मूला लागू नहीं करेंगे, वो यहां पर अपनी मौत को 16,000 ही बताएंगे। इन लोगों ने इन्फेक्शन के लिए जो डेटा इस्तेमाल किया वो दिसंबर जनवरी का सीरो सर्वे का डेटा है जो आज अप्लाई नहीं होता। मौतें किस आधार पर तय की गई पता नहीं, हमारे पास मौतों का ट्रैक करने का मजबूत सिस्टम है। एक प्रतिष्ठित अखबार में इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश नहीं होनी चाहिए थी, ये सही नहीं है और हम इसे स्वीकार नहीं करते। भारत सरकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को तो गलत बता दिया, लेकिन भारत में अभी तक आधिकारिक रूप से 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं जबकि 3,07,000 लोगों की इससे जान जा चुकी है। देश में अभी भी 24,15,612 मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटों में 2,11,275 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। इनसे ज्यादा यानी कि 2,82,924 मरीज ठीक हो गए हैं, 3,841 की मौत हुई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का हवाला देते हुए बुधवार को ट्वीट किया था, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, भारत सरकार बोलती है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इसी खबर को लेकर ट्वीट कर कहा था कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कोविड से मरने वालों की वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि सरकार ने महामारी से लड़ने से ज्यादा आंकड़े दबाने के लिए बहुत मेहनत की है। राहुल गांधी के ट्वीट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि लाशों पर राजनीति, कांग्रेस स्टाइल, पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त तो रहे हो लेकिन लगता है कि उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। राहुल गांधी जी को दिल्ली से ज्यादा न्यूयॉर्क पर भरोसा है, लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मौत का आंकड़ा जो दिखाया गया है वो गलत जरूर हो सकता है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भारत में कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि गांव कस्बों में कोरोना से जो मौत हो रही है वो सरकारी आंकड़ों में है ही नहीं और जिन लोगों के घर पर जान जा रही है कोरोना से वो भी सरकारी आंकड़ों से दूर है क्योंकि आंकड़ों में गिनती उन्हीं लोगों की है जिन लोगों की अस्पताल में जान जा रही है। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मास्क लगाइए और बार बार हाथ धोते रहिए। नमस्कार।